हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्स। तो आज के इस कमाल की वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कुछ इस तरह की ब्रोकन फेसबुक प्रोफाइल फोटो एडिटिंग। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैंने इस वीडियो में आसान तरीके से बताया कि आप कुछ इस तरह की क्रिएटिव फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो इसमें जो बैकग्राउंड मैं यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा तो उसको आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद ये न्यू टेक्स्ट है, इसको हमें यहाँ पर डिलीट पे जाना है। डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पर राइट में 3 डॉट दिख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पर इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से जो हमारा बैकग्राउंड है ये वाला, इसको हमें ओपन करके यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम गाइज प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी दिख रहा है, इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने जो भी प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे उसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रॉप कर लेना गाइज, इसको थोड़ा नीचे करके। तो जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ वैसे आप भी क्रॉप कर लेना। तो आप भी अपने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके इसको भी ऐसे क्रॉप कर लेना, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका जो डायरेक्शन उसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले गाइज इसको यहाँ पर नीचे मैं ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा पर्सपेक्टिव, इसमें क्लिक कर बाद इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको हम नीचे साइड करके इसको हम जो ब्रोकन ग्लास है उसके साइज़ का हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो आप साइड साइड से इसको पकड़ के इसको खींच सकते हो, उसके बाद इसको बड़ा करके इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो गाइज मैं जैसे इसको कॉर्नर से पकड़ पकड़ के इसको एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे आप भी इसको कर लेना। उसके बाद इसको इसके साइज़ का परफेक्ट एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इसको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक कर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना ऐसे, इसमें क्लिक करने के बाद। उसके बाद हमें यहाँ पर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है यहाँ पर नीचे राइट में दिख रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद ऊपर में ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, इस पर क्लिक कर देना है तो हमारा बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर इतना करने के बाद इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए ऊपर सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज इमेज पर जाएंगे। उसके बाद पीएनजी वाला फॉर्मेट है, इसमें क्लिक करने के बाद पीएनजी में ही रखेंगे और डायमेंशन डिफ़ॉल्ट इसको हाई पे क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा जो भी ये प्रोफाइल का जो स्क्रीनशॉट था वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आपका पिक्सआर्ट ऐप ओपन हो जाएगा। तो मेरा पिक्सआर्ट ऐप यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, एडिट अ फोटो में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड है इसको हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा खाली बैकग्राउंड है। अब यहाँ पर हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में क्लिक करने के बाद जो हमने पिक्सल ऐप में एडिट किया था प्रोफाइल का फोटो को, उसको हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको फोटो में बड़ा करना है और इसको जो ब्रोकन ग्लास है उसके ऊपर में लगा लेना है। इसे इसमें लगाने के बाद इसको ब्लेंड पर चले जाना है। ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर जो डार्क मल्टीप्लाई दिख रहा है मल्टीप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसका जो हमारा प्रोफाइल है वो ब्रोकन ग्लास के ऊपर में आ जाएगा। उसके बाद इरेज में चले जाएंगे। इरेज में जाने के बाद साइज़ को और ओपेसिटी को कम करके जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है नीचे साइड में, इसको हमें यहाँ पर इरेज कर देना है। गाइस इसको अच्छे से इरेज करना है ताकि ये बिल्कुल भी फेक ना लगे। तो मैं यहाँ पर इसको आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से इरेज कर लिया। अब यहाँ पर डन पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट में एक और बार डन पे क्लिक करेंगे। अब इस फोटो हम थोड़ा सा क्लैरिटी देंगे, तो क्लैरिटी देने के लिए ऊपर टूल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करने बाद एडजस्ट में क्लिक करेंगे। एडजस्ट में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट पर जाएंगे सेकेंड नंबर, इसको बढ़ाकर 10 के आसपास रखेंगे। इतना करने बाद क्लैरिटी में आ जाएंगे, क्लैरिटी को हम 20 रख लेंगे, उस पर डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे फोटो में क्लैरिटी आ जाएगा। अब इस फोटो को हम सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए नीचे आ जाएंगे ड्रॉ टूल पर, ड्रॉ में चले जाएंगे। इसमें जाने के बाद हमें लेफ्ट में एक 3 डॉट दिखेगा, 3 डॉट में क्लिक करने के बाद सेव इमेज कर देंगे। तो आई होप गाइज ये वाला एडिटिंग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।